आप देख सकते हो दोस्तों, एक बुलेरो हमारे पास रीस्टोर होने के लिए आई है जिसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब है। इसकी मैं आपको पूरी कंडीशन दिखाता हूँ कि किस टाइप से हो रही है इसकी कंडीशन। जैसे फ्रंट में बता देता हूँ आपको, कंडीशन ऐसी हो रही है, देख सकते हो आप, ग्रिल आगे की टूट चुकी है, बम्पर की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, एक इंडिकेटर है नहीं, लाइटें दोनों ख़राब हो रही है। इसमें हम लाइटें यही वाली वापस डालेंगे, नए मॉडल की नहीं लगाई हैं। और साइड में देखते हैं अपन तो ये जगह जगह पर जंग लग रही है, सिर्फ ये कलर पर टिकी हुई है गाड़ी, मतलब हर जगह पुट्टी, इसमें जो कलर किया हुआ था, कलर करा हुआ था, तो उसकी सब सारी पुट्टी बाहर आ रही है। इस टाइप से कंडीशन है। इंटीरियर में भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका बैग लुक, इसमें हम कोई मॉडिफाइड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें एक हम कैरियर बनाकर लगाएंगे, मेटल का कैरियर जो काफ़ी पसंद आता है। अंदर का इंटीरियर भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसका इंटीरियर में आप देख सकते हो इसके डोर पैनल नए डले हुए हैं, अंदर फर्श में भी जंग लग रही है, देख सकते हैं आप, छेद होगा। इसमें रूफ भी पूरी ख़राब हो रही है, आप देख सकते हो इसकी रूफ पूरी ख़त्म हो चुकी है, फट चुकी है, तो ये भी हम पूरी नहीं लगाएंगे। और सीट कवर भी अलग अलग है, जैसे आगे टावेल वाले लगा रखे हैं, सीट कवर भी फट रहे हैं, सीट कवर भी नए लगाएंगे। डैशबोर्ड कंडीशन ऐसी है, इसे भी बढ़िया सा पेंट करेंगे। और पीछे रियर कंडीशन भी दिखाता हूँ मैं आपको, रियर डोर में आप देख सकते हो सारी जंग लग रही है, छत की पट्टी रिप भी ख़राब हो रही है, बहुत काम करना पड़ेगा हमें इसे। अब देख सकते हो यहाँ पर भी सब सड़ा हुआ है। और बैग की कंडीशन कैसी क्या है देख सकते हो आप। तो सबसे पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद में इसे हम पूरा डेंटिंग का जो भी वर्क है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, जहाँ जहाँ भी सड़ी गली है वहाँ से सब रिपेयर करेंगे, उसके बाद में फिर इसमें हम कलर करेंगे। कलर का फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सा कलर करना है इस गाड़ी में, अभी तो इस गाड़ी में सिल्वर कलर है, लेकिन कस्टमर की च्वाइस है कि इसमें कलर चेंज करेंगे, तो अभी कलर का फाइनल नहीं हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जैसे काम इसका वेल्डिंग का ख़त्म करते हैं उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। चलो हमने पूरा खोल जाता है और हम इसे बात करवा रहे हैं, थोड़ा पहले प्रेशर लगवा दें ताकि इसमें कीचड़ मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो सब साफ हो जाए, क्योंकि अंदर बार सभी जगह से क्लीन करवाएंगे, मिट्टी बहुत लगी हुई है इसमें। आप देख सकते हो दोस्तों कितना सारा कीचड़ निकल रहा है इसमें, मिट्टी वगैरह बहुत लगी हुई है, इतना सारा निकल चुका है। तो गाड़ी में डेंट काम कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पूरा पोर्शन सड़ा हुआ था तो उस हमने बना दिया है, पूरा मेटल से जॉइंट किया है, यहाँ की बॉडी लाइन को भी हमने सही कर दिया है, पुट्टी का काम चल रहा है इसमें, ये देख सकते हो अभी एक ही पीस बना है हमने। मटघाट के यहाँ पर अंदर की साइड सड़ी हुई थी, बैटरी टिया बोनेट में भी वहाँ पर जॉइंट आ रहा था, टूट रहा था, यहाँ से भी टूट रहा था, इससे भी रिपेयरिंग करना, अभी और थोड़ा सा काम बाकी है डेंट का। साइड में आप देख सकते हो रिपेयरिंग कर दिया हमने, यहाँ पर भी
इसकी एक डोर में भी यहाँ ज़्यादा ही सड़ा हुआ था, ये भी हमने रिपेयर कर दिया। मडगार्ड के अंदर से सड़ी हुई थी, ये कोने भी सड़े हुए थे, ये भी रिपेयर कर दिए। गाड़ी का ही सिर्फ बाहर बाहर का ही काम चल रहा है, अभी इसमें पुट्टी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में इसको अंदर से देखेंगे, जंग वगैरह सारी सब साफ होगी। डिक्की को भी कर दिया हमने रिपेयर, काफ़ी कंडीशन ख़राब थी इसकी। रूफ कपड़ा ऐसा पूरा ख़राब हो चुका है, ये भी नया, इसको भी निकालना है, नया लगाएंगे। दोस्तों गाड़ी में फाइनल टचअप चल रहा है, इसमें हमने पहले वाइट का बेस बना लिया था, और फाइनल टचअप चल रहा है, जहाँ जहाँ बारीक स्क्रैच वगैरह थे उसे भी हमने गायब कर दिए। गाड़ी को अंदर से पूरा वॉश कर दिया, अभी अंदर इसमें हम पहले रेड प्राइमर करेंगे, उसके बाद में ब्लैक करेंगे, इसका फर्श में पूरा ब्लैक कलर करेंगे पहले रेड प्राइमर करने के बाद। दोस्तों गाड़ी में फाइनल मैदान बन चुका है पूरा, एक जैसा हमने बेस कोट बना लिया गाड़ी में, अंदर ब्लैक कलर भी कर दिया है, देख सकते हो मैट ब्लैक कलर किया है। अब इस बार फाइनल कलर होने वाला है, चलिए फाइनल कलर की प्रोसेस के बाद में फिर गाड़ी को फिट करते हैं। गाड़ी में फाइनली कलर हो चुका है कंप्लीट, अब इसको हम फिट करने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं सीधे पूरी कंप्लीट प्रोसेस पर। अभी आप देख सकते हो कि अंदर को भी हमने ब्लैक कलर कर दिया है। इंजन के ऊपर भी ब्लैक कलर कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इंजन में हम कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ मॉडिफाइड का ही काम करते हैं और रिस्टोरेशन का। जैसे आप देख सकते हो कि इस गाड़ी को हमने पूरा रिस्टोर किया है। इंजन को पहले वॉश करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में इसके ऊपर ब्लैक कलर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब सीधे गाड़ी की पूरे कंप्लीट प्रोसेस पर।
फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और गाड़ी में इस टाइप से कुछ काम हुआ है। फ्रंट रहा आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी हेडलाइटें दोनों ख़राब हो चुकी थी तो हमने हेडलाइटें नहीं लगाई। क्रोम सेट पूरा नया लगाया है और इसके अंदर की जो ग्रिल टूटी हुई थी वो भी नहीं लगाई हमने। साथ में दो LED लाइट इसकी पुरानी थी, अच्छी थी, तो हमने वापस लगा दी। दो इंडिकेटर नए लगाए हैं और बम्पर के ऊपर ब्लैक कलर किया है, पूरी गाड़ी को वाइट कलर किया है। साइड प्रोफाइल में आपको बता देता हूँ, इसकी क्लेडिंग भी सारी टूट चुकी थी तो वो भी हमने नहीं लगाई है। व्हील कैप नहीं लगाई है, टायर पहले से नए लगे हुए थे और डेंटिंग का काफ़ी वर्क था इसमें, वेल्डिंग का ज़्यादा काम था। इसके पट्टे पुराने ही वापस लगा दिए हमने। साइड ग्लास पे दोनों पे क्रोम लगाई है और डोर पर स्टिकर लगाए हैं, डोर वाइजर भी नए लगाए हैं और एक कैरियर बनाया है। कैरियर बहुत सारे देखे होंगे हमारे, हर गाड़ी में पसंद आते हैं कैरियर, अच्छे लगते, हर गाड़ी में अच्छे लगते हैं कैरियर हमारे हाथ के, हैंडमेड कैरियर। और बैक साइड लुक दिखा देता हूँ, बैक साइड में आप देख सकते हो टेल लाइट हमने न्यू मॉडल की लगाई है, इसमें क्रोम आई है और इसका बम्पर हमने मेटल से बनाया है, इसका पुराना बम्पर टूट चुका था। इस टाइप से कुछ लुक आया दोस्तों, बैक लुक। अब मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, आपको इंटीरियर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हमने। डोर प्लाई पहले से इसके अच्छे थे, वापस हमने लगा दिए और डैशबोर्ड पर इसके ब्लैक और थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज का टचअप दिया है। सीट कवर लगाया है अच्छे बढ़िया से और मैटिंग भी लगाई है, लेदर मैटिंग। तो इस टाइप से कुछ व्यू आया दोस्तों पूरी गाड़ी का। बैक लुक में भी आप देख सकते हो इस टाइप से कुछ व्यू आया है। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो स्कॉर्पियो का आने वाला है, एक हमने ओल्ड स्कॉर्पियो को न्यू मॉडल बनाया है। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय।